हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी कर दिया है और जो हिंदी का मॉडल पेपर जारी हुआ है इंटरनेट पर उसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो आज की इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और जो बचा 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको कल सुबह 5:30 बजे सुबह में हम आपको बताएंगे। तो सुबह 5:30 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो किसने किया? ललई सिंह यादव ने किया। ये आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? जो नलिन बिलोचन शर्मा थे उनका जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। तो सेन साहब को 5 लड़कियां हैं, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे चार नंबर प्रश्न है कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। यहाँ पे आपको बताना है कि अग्रजा शब्द में क्या प्रत्यय है। तो अग्रजा आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पे देखिए आ प्रत्यय है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और इसका पीडीएफ हम क्या करेंगे आंसर के साथ कल सुबह अपने स्टडी ग्रुप में डाल देंगे। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि मदन किसका बेटा है? यहाँ पे आपको बताना है कि जो मदन है ये किसका बेटा है? तो मदन गिरधर लाल का बेटा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी विक्टोरिया महारानी के द्वारा? तो ये मैक्स मुलर को दी गई थी नाइट की उपाधि, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। सात नंबर प्रश्न है कि हिंदी कविता में प्रगवाद के प्रवर्तक कौन है? 7 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि हिंदी कविता में प्रभातवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अशोक वाजपेयी है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आठ नंबर प्रश्न है कि आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? इसमें आपको बताना है कि आत्मसात में शब्द में है प्रत्यय कौन है? तो 7 प्रत्यय है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नौ नंबर प्रश्न है कि विचार एवं वितर्क किस लेखक की रचना है? यहाँ पे आपको बताना है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। दस नंबर प्रश्न है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है किसको? करता है तो सौंदर्य बोधक और संस्कृति चेतना का, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि घृणा शब्द का विलोम है। इसमें आपको बताना है कि घृणा शब्द का विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो घृणा का उल्टा क्या हो जाएगा, यहां पे प्रेम हो जाएगा, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहां पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि हवा शब्द का यहां पे देखिए हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। यहां पे हवा शब्द का लिंग निर्णय करना है, ए ऑप्शन है स्त्रीलिंग, बी ऑप्शन है पुल्लिंग, सी ऑप्शन है उभयलिंग। तो यहां पे आपको बताना है कि हवा क्या है, तो हवा क्या है स्त्रीलिंग है, ये आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है कि कुल 4 आदमी है रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो कौन है? संज्ञा पदबंध है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है कि उसने अपने मित्र का पुस्तक खरीदा वाक्य है, तो ये कौन सा वाक्य है? तो ये सरल वाक्य है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न
है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है, तो ये गुणाकर मूले की है, ये आपको याद रखना है। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। यहाँ पे आपको बताना है जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या है, तो उपमेय है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, मराठी भाषा की लिपि क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि में ये लिखा जाता है मराठी भाषा, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे, तो कौन थे, ये भोज थे, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी रचना है, तो ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ये आपको याद रखना है। महाविद्यालय किनकी रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल की है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न की बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, तो बहादुर ने भैंस को बहुत मार दिया था, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहादुर ने भैंस को मारा था, इसीलिए बहादुर की माँ गुस्से में पागल हो गई थी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, तो हिटलर ने किया, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि गुड़ही का दाल मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि गुड़ही का दाल का यहाँ पे मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, ये है इसका सही अर्थ, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची है। यहाँ पे आपको गणेश शब्द का पर्यायवाची का मतलब होता है दूसरा नाम, तो यहाँ पे गणेश का दूसरा नाम क्या है, तो लंबोदर है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। यहाँ पे आपको बताना है कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यश जोड़ धारा यहाँ पे होगा, यशोधरा का यहाँ पे संधि विच्छेद, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा। आज के इस वीडियो में मात्र 85 हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा अभी आज इशू चल रहा था, दिन में क्लास नहीं हो पाया ठीक से, इसलिए हम 85 डाल रहे हैं, इसके लिए सॉरी। और 50 हम क्या करेंगे कि सुबह वाले 5:30 बजे वाला जो क्लास चलता है उसमें डालेंगे, तो आप लोग सुबह 5:30 बजे आप लोग हमसे जरूर जुड़िएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें से आपको पहचानना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। शब्द तो केवल संकेत है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे शुद्ध शब्द हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि कवि घनानंद है किस बादशाह के यहाँ पीर मुर्शिद का काम करते थे। ये भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ पीर मुर्शिद का काम करते थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में काम करते थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। 29 नंबर प्रश्न है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था, तो किनकी माता का देहांत हो गया था जन्म से 6 घंटे बाद, तो यहां पे देखिए सुमित्रानंद
पंत की जो माँ थी, इनका जब जन्म हुआ उसके 6 घंटे के बाद इनकी माताजी का देहांत हो गया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न की फावड़े और हल राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो किस कविता की है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, ये किस यहाँ पे कविता की है? तो जनतंत्र की जन्म की कविता की है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? यहाँ पे आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है, तो ये कुंवर नारायण की है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि वीरेंद्र अग्रवाल का पहला कविता संग्रह है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वीरेंद्र अग्रवाल का पहला कविता संग्रह कौन सा है, तो इसी दुनिया में है, ये आपको याद रखना है, और इसी दुनिया के लिए वीरेंद्र अग्रवाल को काफी पुरस्कार मिल चुका है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं कौन है? प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात कवि, तो सुमित्रा नंद पंत हैं, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि किस कवि ने, यहाँ पे देखिए, वर्ण श्रम व्यवस्था और कर्म कांड के विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति धारा की प्रचार की है, तो किन्होंने किया? तो ये गुरु नानक देव ने किया, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि नगर संवेदना के कवि हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 35 नंबर कि नगर संवेदना के कवि कौन है, यहाँ पे आपको बताना है, तो कुंवर नारायण है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए, दुर्दांत मानवीय यहाँ पे विभासकारी का चित्र करने वाली कविता है, यहाँ पे आपको बताना है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्र करने वाली कविता कौन सी है, तो ये हिरोशिमा है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक के पद हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक के पद कौन है, तो राम भक्तिमय गीत है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसका अगला 50 जो यहाँ पे 50 से यहाँ पे देखिए 50 तो प्रश्न हम इसी वीडियो में करवाएंगे, 51 से लेके जो 100 तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो सुबह 5:30 बजे करवाएंगे, तो आप लोग प्लीज जुड़िएगा। यहाँ पे देखिए 38 नंबर प्रश्न है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किसमें किया गया है, तो सवैयों में किया गया है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 39 नंबर प्रश्न, 39 नंबर प्रश्न है कि कवि प्रेमघन के द्वारा यहाँ पे अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है, जो कवि प्रेमघन है उनकी अधिकांश काव्य रचनाएं हैं वो किस भाषा में है, तो वो ब्रजभाषा और अवधी में है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है, यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है, तो ये सुमित्रानंद पंत की है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 41 नंबर प्रश्न है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है, तो ये किस कवि के द्वारा लिखा गया है, तो ये कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा कौन थे, ए ऑप्शन है स ही वात्स्यायन अज्ञेय, बी ऑप्शन है रहीम, सी ऑप्शन है कबीर, डी ऑप्शन है यहाँ पे सुमित्रानंद पंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा यहाँ पे प्रतिभा कौन थे, तो ये वात्स्यायन अज्ञेय थे, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर।
43 नंबर प्रश्न है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने जिंदगी में पहली बार यहाँ पे अस्पताल का विरोध नहीं किया, तो माँ ने नहीं किया, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माँ रात में कितना बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई, तो 11:15 बजे लौट कर घर आई। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। यहां पे आपको बताना है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। ए ऑप्शन है मंगमा का बेटा, बी ऑप्शन है यहां पे मंगमा का पति, सी ऑप्शन है रंगपा, डी ऑप्शन है रंगपा का भाई। तो ये गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो रंगपा था। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि सतकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। यहाँ पे आपको बताना है कि सतकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है, तो ये किस भाषा के हैं, तो ये उड़िया भाषा के हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। यहाँ पे आपको बताना है कि जो देवी नदी थी उसके बांध के नीचे किसका घर था, तो लक्ष्मी का घर था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी। जो मंगू थी उसके अलावा माँ की कितने संतानें थी, तो 3 संतानें थी, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी, तो नारायण की पत्नी ने भेजी थी, लेकिन यहाँ पे नारायण है, तो यहाँ पे आप लोग बी को टिक लगा लीजिएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सीता को किसने रसमलाई भेजी थी, तो नारायण की पत्नी ने भेजी थी, लेकिन यहाँ पे नारायण है, तो यहाँ पे आप लोग बी ऑप्शन टिक लगा लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो कैलाश था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं 50 ऑब्जेक्टिव, हम पूरा यहाँ पे 100 के 100 करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे 85 करवाए, नहीं तो 100 करवाएंगे, फिर यहाँ पे नेट नहीं चलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम 85 करवाए हैं। तो आप लोग सुबह 5:30 बजे टाइम नोट कर लीजिए, कितना बच्चे यहाँ पे हमसे टेस्ट देते हैं 5:30 बजे, तो सुबह 5:30 बजे आप लोग क्या कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमसे। और यहाँ पे जो 51 से अब क्या करेंगे, 50 तो देख लिए, 51 से लेके 100 तक जो प्रश्न होगा वो हम सुबह 5:30 बजे सॉल्व करेंगे, और इसका पीडीएफ आंसर के साथ 10 बजे तक आपको यहाँ पे 10 बजे सुबह तक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। और आप हमें एक बात और कमेंट करके बता दीजिए कि आपका यहाँ पे 50 प्रश्नों में से कितना सही हुआ है। ये मॉडल पे जो मॉडल पेपर जारी हुआ है ये थोड़ा टॉप है, इतना टफ परीक्षा में नहीं आता है। हम भी देखें कितने बार यहां पे बोर्ड परीक्षा हम भी बच्चों को तैयारी करवाए हैं, लेकिन इतना टफ नहीं आता है। इसमें बहुत ही ज्यादा टफ दे दिया है प्रश्न सबसे ज्यादा, तो इससे टेंशन नहीं लेना है, ये थोड़ा सा टफ है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना टफ नहीं आता है। और आपके लिए आज हम एक होमवर्क प्रश्न लाए हैं, इसका भी जवाब आपको क्या करना है, कॉमेंट बॉक्स में देना है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है। ए ऑप्शन है कार, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है पुत्रियां, डी ऑप्शन है मदन। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज अपने वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जब आप सब्सक्राइब करिए तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लिया कीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।